हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पावर पर स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ गए हैं। इसमें हम आपको जो नीमी पैटर्न के क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आज एक वीडियो में करवाएंगे। यानी आपके जो आईटीआई में 4 सेमेस्टर हैं, जो नीमी पीडीएफ डीजीटी ने दे रखी है, आज हम उसका सॉल्यूशन करवाएंगे। तो उसमें कम से कम 1000 क्वेश्चन है, तो हम 1000 क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन सिर्फ एक वीडियो में करवाएंगे। तो हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर कोई दिक्कत या कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या हमारे जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर हैं उस पर भी मैसेज कर सकते हो। नंबर है 7733-93-47-03। ठीक है, ये हमारे नंबर हैं, इनको आप कॉपी कर लीजिए। और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको हर संडे को आपका एक टेस्ट होता है, जो भी हमने आज तक पढ़ा है उसका सभी का टेस्ट होगा। तो वो क्वेश्चन, उसमें 25 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो वो उसका जो लिंक है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एंड जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जो संडे है उसमें मिल जाएगा। यानी संडे को, हर संडे को आपका एक टेस्ट होता है। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं। वीडियो को अंत में तक बने आए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन क्या है? एक सेकंड, पहला क्वेश्चन है आपका व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है, बताइए। तो पहला ऑप्शन है मशीन को साफ करने रखें, अपने काम पर ध्यान दें, गैंगवे और वर्क फर्श को साफ रखें, टूल को उनके उचित स्थान पर रखें। तो आपको पता होगा इसका क्या आंसर होगा। देखो, पहला ऑप्शन मशीन को साफ रखे तो ये मशीन की सुरक्षा में आ जाएगा, गैंगवे और फर्श को साफ करेंगे तो ये वर्कशॉप की सुरक्षा के अंतर्गत आएगा, टूल को उचित स्थान पर रखने का ये भी हमारे मशीन की जो सुरक्षा है उसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये अपने काम पर ध्यान दें, ये हमारा आएगा व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस अनिवार्य चिन्ह का नाम बताना, यानी इसका नाम बताना, इसका क्या नाम है? तो आपको पता ही होगा इसका वैसे तो नाम क्या है, रास्ता दें। क्या है? रास्ता दें नाम है, लेकिन जो नीमी पीडीएफ है उसमें क्या दे रखा है इसका आंसर, उसमें इन्होंने दे रखा है स्तोप। तो आपको स्तोप ही याद रखना है, ना कि रास्ता दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, ज्वलनशील लिक्विड ठोस को विघटित किया जाता है, क्लास ए की आग में, क्लास बी की आग में, क्लास सी की आग में, या क्लास डी की आग में? तो मैं इन सभी की आग का एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो जो पहली आग है ये कागज़ लकड़ी आदि से लगती है। ठीक है, यानी कागज़ लकड़ी कपड़ों से लगने वाली आग को हम क्लास ए में रखते हैं, और इसे कार्बनेस आग कहते हैं। ठीक है, इसे बुझाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? सोडा एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। किसका? सोडा एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं क्लास ए की आग बुझाने के लिए। सेकंड अपना सेकंड क्या है? क्लास बी की आग। क्लास बी की आग हमारे ज्वलनशील लिक्विड के अंतर्गत आती है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लास बी की आग हो जाएगा। ठीक है, और क्लास सी की आग में क्या आता है? क्लास सी की आग में गैसें होती है, गैसों से लगने वाली आगों को हम क्या कहते हैं? क्लास सी की आग में। और क्लास डी की आग विद्युत या कोई भी मेटल में लगी आग को हम क्लास डी में रखते हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है, प्राथमिक चिकित्सा, चिकित्सक को बुलाएं, गहन देखभाल, या चिकित्सा उपचार? यानी प्राथमिक उपचार चिकित्सा होती है, ये हमारी तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया है। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा कहते किसे हैं? यानी जब दुर्घटना हो जाती है तो उसके पहले 30 मिनट में दी गई वक्त, यानी पहले 30 मिनट में दिए गए उपचार को हम प्राथमिक उपचार कहते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया उपचार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस चेतावनी प्रतीक का नाम क्या है? तो चेतावनी प्रतीक दिखाता हूँ मैं आपको, एक सेकंड। तो ये है, इसका नाम पूछा है, इसका क्या नाम ये पूछा है, तो ये देखते ही पता लग जाना चाहिए आपको। ये हमारे अंगादेर का चिन्ह है। किसका? अंगादेर का चिन्ह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, ये मैंने अभी बताया था आप लोगों का, लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग को किस क्लास के अंतर्गत रखते हैं? तो हम इसको रखेंगे क्लास एक के अंतर्गत। किसके? क्लास ए के अंतर्गत। क्लास बी के अंतर्गत ज्वलनशील पदार्थ की आग को। ठीक है, क्लास सी के अंतर्गत गैसों की आग, और क्लास डी के अंतर्गत क्या आएगा? विद्युत या मेटल से लगी आग को। तो दोस्तों, मैं आपको बार बार ये इसलिए बताऊँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का,
कार्बन 13 कैलोराइड और ब्रोमो कैलोरो डी फ्लोरो मीथेन BSF से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक होता है बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हेलोन एक्सटिंगुइशर होता है, फोम एक्सटिंगुइशर या डाई एक्सटिंगुइशर बताइए। इसका आंसर जल्दी से दीजिए तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी हेलोन एक्सटिंगुइशर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा ब्रांति घोषा खतरों के अंतर्गत आता है। पहला है सौर, विषैला या अकुशल या अनगादिन मशीनरी। तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लास यानी क्वेश्चन नंबर 9 है घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को खालिस्ता यानी घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोका जाता है। पट्टी बांध कर, मरहम लगा कर, या घाव पर टीचर लगाएं या घाव पर दबाव दे बताइए। तो हमारा इसका क्या आंसर हो जाएगा, घाव पर दबाव दे यानी दबाव देंगे तो हमारा जो खून है ब्लड है वो रुक जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इस चिन्ह का नाम बताना है, इस चिन्ह का क्या नाम है ये बताना है आप लोगों को, बताइए जल्दी से। तो हमारा इसका क्या नाम हो जाएगा, क्या स्कूल चल रही है या संरक्षित है, अंगादेर या पैदल चलने वालों का मार्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैदल चलने वालों का मार्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का आग लगने के तीन कारक क्या हैं। आग लगने के तीन कारक हैं ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ईंधन, नाइट्रोजन ऊष्मा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड या ऊष्मा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए में क्या है, ईंधन ऊष्मा ऑक्सीजन। अगर आपको यानी अग्नि को बुझाना या आग को बुझाना है तो आप इन तीनों में से किसी भी एक को वहाँ जिस स्थान पे आग लगी है वहाँ से हटा देंगे तो आपकी आग बुझ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का गोल्डन हावर्स की अवधि को क्या कहा जाता है बताइए। जो गोल्डन हावर्स अवधि है इसको क्या कहते हैं, हमने ये पूछा है। तो इसमें क्या ये कहता है, घटना के पहले के 30 मिनट, पहले 30 मिनट या प्रवेश के पहले 45 मिनट, उपचार के बाद के पहले 60 मिनट, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी घटना के बाद के हमारे ती पहले घटना के बाद के पहले 30 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 है कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। जो कार्यस्थल यानी वर्कशॉप है वहाँ पे दुर्घटना से बचने का पहला उपाय पूछा है, कदम क्या होता है। सुरक्षा उपकरण को पहनकर, या चीज़ों को अपने तरीके से कर, या सुरक्षा सावधानियों का पालन करके, बताइए इन तीनों ऑप्शन में से आंसर बताइए क्या होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है यह प्रतीक क्या दर्शाता है, इसका नाम पूछा है क्या दर्शाता है। ये वैसे तो आपका क्या आएगा, असलियत में तो ये आपका जो रास्ता दे है यही आएगा, लेकिन इसमें नीमी ने क्या माना है, नीमी ने माना है आपका यूके यानी स्टॉप, इसको माना है। ठीक है, और जो त्रिभुज है उसको क्या माना है, गिव वे माना है, और इसको हमारा क्या माना है, यूके माना है। ठीक है, लेकिन असलियत में क्या है, ये तो हमारा गिव वे है, ठीक है, रास्ता दे है, वो ये है हमारा यूके यानी स्टॉप का प्रतीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का बेकार कागज अलगाव के लिए बिम यानी कलर कोड क्या है बताइए। लाल, नीला, काला, हरा, बताइए क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। तो आपको पता ही होगा जो कागज उगज है उसके लिए हम किसका कहते हैं, नीले का, और जो हमारा प्लास्टिक है प्लास्टिक के लिए किसका कहेंगे, पीले का। प्लास्टिक के लिए किसका कहेंगे, याद रखना पीले का कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यह रोड साइन किस तरह का है। तो ये रोड साइन आपको दिख रहा होगा, देखो एक सेकेंड, इसका नाम पूछा है यानी जो ये वो साइन दिख रहा है इसका नाम पूछा है आपसे, बताइए कौन सा है। पुलिस सिग्नल बताइए है, पुलिस सिग्नल है क्या, सावधानी का संकेत है क्या, अनिवार्य संकेत है क्या, सूचना का चिन्ह है क्या, बताइए क्या है इसका सही आंसर। तो आप सभी को पता होगा ये चिन्ह किसका है, ये आपका है सूचना का चिन्ह यानी ये सूचना इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन साइन है ये। अगला क्वेश्चन है आपका ज्वलनशील और बहने वाले तेल आग के लिए किस अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। फोम, हेलोन, डाई पाउडर, एक्सटिंगुइशर, कार्बन डाइऑक्साइड, बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए। तो आपको पता होगा इसका क्या आंसर आ जाएगा, इसका हमारा आंसर आ जाएगा जो फोम एक्सटिंगुइशर है उसका उपयोग करते हैं ज्वलनशील पदार्थों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
प्राथमिक चिकित्सा में ए से क्या दर्शाता है, तो ए क्या दर्शाएगा, ए दर्शाएगा ए आई वी, क्या दर्शाएगा ए आई वी दर्शाएगा, ए दर्शाएगा आपका, एक सेकंड, ए आई वी दर्शाएगा, ऑप्शन ए सही है। और ए बी सी में बी क्या दर्शाएगा, बी दर्शाएगा बेथिंग, सी क्या दर्शाएगा सर्कुलेशन, सी सर्कुलेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जैविक कंपाउंड में मैथियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये हमारी क्या है, ये कंपोस्टिंग है, क्या है, कंपोस्टिंग है, ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लास्टिक कचरे के लिए बीम का कलर कोड क्या है, ये मैंने अभी अभी आपको बताया था, तो प्लास्टिक के लिए कौन सा होगा, जल्दी बताइए, ये आप जल्दी से बताइए, ये मैंने अभी अभी बताया, जब हमारा कचरा के लिए आया था यानी जो कागज़ के लिए आया था, तो कागज़ के लिए तो हम नीले का उपयोग करते हैं, लेकिन इसके लिए किसका उपयोग करते हैं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए। आपको कमेंट कैसे करना है, कमेंट करना है, पहले आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है कौन सा, जैसे 20 नंबर है, उसके बाद आपको ऑप्शन ए बी सी में से क्या होगा ये लिखना है, तो हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पीला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है आप लोगों का, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, इसका नाम पूछा है बताना है। अब देखो, पहला हील है क्या, या टैंग है, फेउल है, फाइल की लंबाई, बताइए क्या है, इसका सही आंसर बताइए। तो ये है हील, क्या है हील, जहाँ पर फाइल में दांते नहीं कटे हुए होते हैं वहाँ पे उसे हील बोलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक तय स्क्वायर का उपयोग किया जाता है, बताइए, समकोण की जांच करने के लिए, न्यून कोण की जांच करने के लिए, अधिक कोण की जांच करने के लिए, बताइए इन तीनों में से आंसर बताइए। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समकोण की जांच करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, टाई स्क्वायर का। कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है, वाइट वाश, पर्शियन ब्लू, कॉपर सल्फेट, सेल्यूलोज लेकर, तो इसमें आएगा कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ऐसा कौन सा मार्किंग मीडिया है जो सबसे पहले सूखता है, यानी सबसे पहले सूखता है, वो हमारा ऑप्शन बी यानी पर्शियन ब्लू है, ठीक है। और इसका क्या आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट है जहरीला। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है, तो कौन सा पकड़ेगा, स्नग, क्या है, स्नग सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 पे हम पहुंच चुके हैं, इस वाइस का क्या नाम है, इसका क्या नाम है, ये हमारी हैंड वाइस है, क्या है, हैंड वाइस है, ठीक है, हैंड वाइस। पाइप वाइस का उपयोग गोल बेलनाकार पाइप को पकड़ने के लिए किया जाता है। पिन वाइस का उपयोग जो अपनी वॉच की दुकानें होती है उनमें जो यानी जो वाइस का उपयोग किया जाता है उसको पिन वाइस कहते हैं। कीवी क्लीजिंग वाइस वो होती है जिसको यानी हैंडल से कसा तो जाता है उसको, लेकिन उसको बाहर निकालने के लिए हैंडल को खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर एक बटन लगा हुआ होता है जिसकी मदद से वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले, आप सभी लोगों ने अभी तक अपने यानी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कर दे, ठीक है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया एक्स्ट्रा ब्लेड ब्लेड ढीला हो जाता है जिसकी वजह क्या होती है, बताइए। पहला ऑप्शन है आपका ब्लेड खिंच जाना, ब्लेड की गलत पिच होना, सासेत गलत चयन करना, नट के थेद को घिस जाना, तो इसका क्या हो जाएगा, ब्लेड का खींच जाना, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पतले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांतों बहुत आसानी से क्यों टूट जाते हैं, तो ये है हमारे इसका सही आंसर क्या, हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर ही लग पाता है, इसलिए हमारे जो एक्स्ट्रा ब्लेड हैं उनके दांते टूट बहुत आसानी से टूट जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 28, कोना और जॉइंट पर मेटेरियल को चौको करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है, बताइए। तो हम इसमें किसका कहेंगे, इसमें हम कहेंगे डायमंड पॉइंट छेनी का, यानी ऑप्शन सी सही आंसर, बे सी सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है आप लोगों का, यानी अहम है इसका जो ये भाग, इसका नाम बताना है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये हमारा चीक होता है, क्या होता है, चीक होता है, यहाँ पे ये आपका जो वजन है वो लिखा हुआ होता है, ठीक है। ये आपका फेस हो जाएगा नीचे का सिरा, ये आपकी पिन हो जाएगी, ठीक है, ये आपका आई होल हो जाएगा, ठीक है। और इसका वजन कितना होता है,
तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो हमारा हैमर है वो तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर और बॉल पिन हैमर। तो इनका वजन होता है सामान्यतः वैसे 0.11 से 0.91 होता है, ठीक है, ठीक है, केजी होता है। और एक और बात, जो हमारे रेटिंग के लिए जो हैमर उपयोग किया जाता है उसका वजन कितना होता है, वो उसका वजन होता है 250 ग्राम, ठीक है। और ये कौन सा हैमर होता है, ये बॉल पिन हैमर का उपयोग करते हैं। रेटिंग के लिए हम किसका हैमर का उपयोग करते हैं, बॉल पिन हैमर का उपयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, काटने वाले छेनी के प्रति वाई द्वारा किस कोण को दर्शाया गया है। तो ये इसका नाम पूछा, जैसे ये गया और ये कोण, यानी नहीं ये कोण नहीं, एक सेकंड, ये और ये है ना, ये कोण, देखो ये कोण और ये कोण, ये पूछा है इस, ये वाई है, तो ये हमारा रैंक कोण है, किस कौन सा रैंक कोण है, रैंक कोण ये है, ठीक है। क्लियरेंस एंगल कौन सा है, क्लियरेंस कोण कौन सा है, क्लियरेंस कोण आपको ये नीचे का दिखाया ना, ये ए वाला एल्फा वाला, ये है अपना क्लियरेंस एंगल, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, हम आगे चलते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 31 है, धातु का उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे खींचा जा सकता है। तो पहला दक्तिलिटी, टेनसिटी, इलेक्सिटी, इलेस्टिसिटी या मैलेबिलिटी, बताइए आंसर। तो आपको पता ही होगा इसका क्या आंसर हो जाएगा, हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्तिलिटी। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चले, आगे चलते हैं, एक सेकंड, थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मोमेंट क्या होगी जबकि, यानी स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm का पिच है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो अगर पिच अपने जो थिम्बल है उसकी पिच दे रखी है तो 0.5 दे रखी है, ठीक है। तो यह इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, यानी 1.1, यानी 1.01 mm सही आंसर हो जाएगा, जो कि इसका लिस्ट काउंट होता है, किसका, माइक्रोमीटर का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हमारे वर्नियर कैलिपर, क्या है वर्नियर कैलिपर, ठीक है। इसकी रीडिंग पूछी है, यानी इसमें क्या ये रीडिंग दे रखी है पूछिए। तो देखो पहले तो यहाँ पे 40 है, 4 पे है तो 40, तो यहाँ पे 35, यहाँ पे 35 होगा तो सीधा सीधा आप 35 लिख लीजिए। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 35 हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये देखो ये 20 है ना, ये 20 की लाइन पे मिल रहा है, देखो ये आपको दिख रहा होगा, ऐसे तो 20 की लाइन पे मिल रहा है, तो इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.02 mm होता है, को गुना 20 से कर देंगे, तो गुना 20 से कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, 0.40 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 35.40, क्या हो जाएगा, 35.40 सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो गया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो गया, ऑप्शन डी, यानी 35.40 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इस वन्य बेल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है, यानी इसकी रीडिंग पूछी है। देखो ये है अपना 40, ये एक 41 पार कर गया, तो 41 डिग्री हो गया, ठीक है, कितना, 41 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये देखो ये जो एक लाइन का मान है ना, इसका एक लाइन का मान होता है 5 मिनट, कितना होता है, 5 मिनट होता है, ठीक है। तो हमारी इसमें कितनी लाइन है, 10 लाइन है, गिन सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12, तो 12 लाइन है, 12 5 7, तो यहाँ पे 7 दे रखा है, जो ये चीज है ये 2 लाइन छोड़ के है, तो 7 में से 10 घटाएंगे, मतलब 2 लाइन का मान 10 हो जाएगा, तो 10 घटाएंगे तो 50 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 50, क्या हो जाएगा, 41 डिग्री 50 सेकेंड सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फीलर गेज का उपयोग क्या है, फीलर गेज है उसका उपयोग पूछा है, चौड़ाई की जांच करने के लिए, ऊंचाई की जांच करने के लिए, लंबाई की जांच करने के लिए, मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए। तो जो हमारा फिलर गेज है इसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी, यानी मिलने वाले भागों के बीच की जांच करने के लिए फिलर गेज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इस डायल कैलिपर की रीडिंग बतानी है, ये वर्नियर डायल कैलिपर है, इसकी रीडिंग क्या होगी, इसकी रीडिंग बताइए, जल्दी से बताइए। ऑप्शन है आपके
24 फुंत 2 होगी, 24 फुंत 8, 24 फुंत 2, 26 फुंत 2। तो जल्दी बताइए। तो ये हमारे यहाँ पे देख सकते हो आप, वैसे तो देखो ये अपना कितना है, 25 है, कितना हो जाएगा 24। देखो यहाँ पे 24, उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है लिस्ट काउंट 24, तो सीधे सीधे हो गए। अब आपको इसको लिस्ट काउंट से गुना कर देना, 0.05 गुना 24 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो आपका ये इनको दोनों को गुना कर लो, उसके बाद ये इसमें जोड़ दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी 26.2 सही आंसर हो जाएगा। 25 तो दे रखा है उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक गैंग ड्रिलिंग ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है। एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है, निष्कलीय संचालन, ड्रिलिंग का बार बार संचालन, नियंत्रण मिलिंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। अगला क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा होता है बताइए। तो इसमें क्या हो जाएगा, डायल होता है, कौन सा हिस्सा होता है, डायल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। फाइल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो इसका नाम क्या, फेउल है। क्या है, फेउल है। ये हमारा जो हैंडल है उसको फटने से रोकता है, यानी फेउल इसका सही आंसर है, वो ये हमारे हैंडल को फटने से रोकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जॉब को फिनिश साइज के, एक सेकंड, जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं। तो हम जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए हम कौन सी फाइल करते हैं, सेकंड कट फाइल का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, किस फाइल के यानी जो समांतर किनारे पूरी लंबाई में होते हैं बताइए। तो ये हमारे किसके होंगे, ये हमारे होंगे ऑप्शन यानी हैंड फाइल के, किसके, हैंड फाइल के होंगे, लाइफ नहीं है, फाइल है, ठीक है, याद रखना। बेंच वाइस को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो बेंच वाइस को बनाने के लिए टूल स्टील का उपयोग, या उच्च कार्बन इस्पात, या मध्यम कार्बन इस्पात, या कास्ट आयरन। तो इसको कहेंगे कास्ट आयरन का उपयोग, बेंच वाइस को बनाने के लिए कास्ट आयरन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखा प्रदान करती है। तो ये मैंने अभी बताया था, ये पश्चिम ब्लू, क्या आ जाएगा, पश्चिम ब्लू सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, स्लोटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लोट का उद्देश्य क्या होता है। तो ये स्लोट क्या करते हैं, जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है, यानी जॉब को पकड़ने के लिए स्लोट दिए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। तो हम जैनी कैलिपर का उपयोग करते हैं, किसका, जैनी कैलिपर का, ठीक है। अगला है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है, यानी ये क्या है हमारा, ये है डिवाइडर, ठीक है, क्या है, डिवाइडर है। तो ये हमारे फल कर्म हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन है आपके लिए बेवल गेज हो जाएगा, क्या, बेवल प्रोट्रैक्टर, यूनिवर्सल बेवल गेज, यूनिवर्सल सरफेस गेज बताइए। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल बेवल गेज है, क्या है, यूनिवर्सल बेवल गेज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 10 डिग्री से ऊपर के सकिन खाचे को कोण बनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो हम किसका उपयोग करेंगे, 10 के लिए, 10 से ऊपर के लिए नाइफ एज फाइल का, किसका, नाइफ एज फाइल का। अगला क्वेश्चन है, उस दोष का क्या नाम है जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। तो हम उसको बोलते हैं पिनिंग, क्या बोलते हैं, पिनिंग बोलते हैं, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 50 है, ऑयल ग्लू को काटने के लिए किस छेन का उपयोग किया जाता है। तो ऑयल ग्लू को काटने के लिए किस छेन का उपयोग करेंगे, हम कहेंगे ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, हाफ पाउंड नोज छेनी, हाफ पाउंड नोज छेनी, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, इस फाइल का क्या नाम है, यानी ये फाइल दी है इसका नाम क्या है ये बताना है। तो क्या ये हमारी बैत फाइल है, या इफ्लेयर फाइल है, क्रॉसिंग फाइल है, मिल्सा फाइल है।
तो ये हमारी कौन सी जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी से। तो ये हमारी ईफेल फाइल यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस वाइस का क्या नाम है, यानी इस वाइस का नाम पूछा है, पिन वाइस, पाइप वाइस, हैंड वाइस, मशीन वाइस, बताइए जल्दी से। ये हमारी पिन वाइस है। क्या है पिन वाइस? इसके द्वारा हमारी जो वॉच है या जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं उनको पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला है, हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडर मशीन का उपयोग किया जाता है, बेंच ग्राइंडर, पोर्टेबल ग्राइंडर, पेडिस्टल ग्राइंडर, सरफेस ग्राइंडर? तो हम किसका उपयोग करेंगे, हम करेंगे पेडिस्टल ग्राइंडर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चैन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस चैन का उपयोग किया जाता है, वेव चैनी, फ्लैट चैनी? तो आपके पास दो ऑप्शन है, इनमें से आंसर बताइए जल्दी से। आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं बी नहीं, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, वेव चैनी। क्या हो जाएगा? वेव चैनी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखना पसंद है या आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि ALP, DRDO, BARC, BARC, NTPC, SAIL, BHEL आदि जो भी टेक्निकल गवर्नमेंट एग्जाम है उनके प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, आपको हमारे चैनल पर न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे, ठीक है। तो जो हमारे इसरो की क्लास भी फिलहाल चल रही है वो आपको रेगुलर देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी आपको सोमवार से फ्राइडे, यानी सोमवार से शुक्रवार को वो देखने को मिलेगी, शनिवार को हम आपके लिए, शनिवार और रविवार को हम आपके लिए, जो शनिवार को तो हम आपके लिए जो टेस्ट होता है उसको तैयार करते हैं, और रविवार के लिए हम आपके लिए एक मैराथन क्लास लेके आते हैं रेगुलर, ठीक है। तो इसी तरह की मैराथन या कोई भी क्लास टेक्निकल एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलते आएंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 55। लकड़ी का काम करने वाली आई के दांतों को तेज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बैत फाइल का, टिंकर फाइल का, मिल्सा फाइल का, इफ्लेयर फाइल का? तो हम इसमें इसका उपयोग करेंगे मिल्सा फाइल का। किसका? मिल्सा फाइल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हथौड़े का वजन कहाँ दर्शाया जाता है, फेस पर, पिन पर, चिक पर या आई होल पर, बताइए? तो हम इसका सही आंसर हो जाएगा, किस पे दर्शाएंगे, चिक पे दर्शाते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कौन अनुशासित कौन से कम है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, कटिंग एज घुस नहीं सकती है, छेनी फिसल जाएगी, कटिंग एज के अंदर घुस जाएगा, कट गया हो जाएगा, या कटिंग एज टूट सकती है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? या छेनी की कटिंग एज सीधी रेखा पर समतलता रूप में चलता है, बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव को विरोध करने वाली धातु का नाम क्या है, बताइए? तो ये हमारे ऑप्शन बी एन तेनेसिटी, कौन सी है, तेनेसिटी धातु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, एक्स के रूप में चीनी भाग का नाम बताइए, यानी इसका नाम बताए, तो इसका नाम क्या है, एनविल है। क्या है? एनविल है, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एनविल। अगला क्वेश्चन है, मेडिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होता है, तो ये होता है 0.01 mm, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है, यानी एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है, इसका नाम बताना है क्या है, तो ये हमारे पॉइंट एंगल है। क्या है? पॉइंट एंगल है, ठीक है, बिंदु कोण, मतलब पॉइंट एंगल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल सैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है, पिन टेपर, मीटिक टेपर, मोस टेपर, जैनो टेपर? तो इसमें आएगा मोस टेपर। क्या है? मोस टेपर दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मशीन स्पिंडल से दिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बताइए? जो मशीन है वहाँ से दिल को निकालने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो हम कहेंगे ऑप्शन डिफ्ट, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप इंच का क्या नाम है, तो ये हमारे टी जॉइंट, टी हैंडल, टैप इंच, ठीक है। ISO मीटिक थ्रेड में M10 गुना 1.5 थ्रेड के लिए टैप डील साइज कितना होगा,
तो ये आपको कितना होगा जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या होगा, ये होगा 8.2 mm। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या होती है। तो दिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई होती है mm, बताइए, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लास्ट यानी क्वेश्चन नंबर 67 है, वर्नियर कैलिपर में एक्सक्यूब में चीन भाग का नाम बताइए। तो ये हमारी डेप्थ बाय है, क्या है, डेप्थ बाय है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, एक सेकेंड, संयोजन सहित में प्रोडक्ट हेड की परिशुद्धता क्या होती है, बताइए। तो ये होगी हमारी, क्या होगी इसमें, होगा हमारा ऑप्शन यानी एक डिग्री होती है, कितनी होती है, एक डिग्री होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ताई स्क्वायर की परिशुद्धता क्या होती है। तो ये होती है ऑप्शन सी 0.02 mm पर 10 mm लेंथ। निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है, तो हम दोत पंच का उपयोग करेंगे, किसका, दोत पंच का उपयोग करते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, उस कैलिपर का नाम है जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइस पॉइंट और दूसरी टांग मुड़ी हुई होती है। तो ये हमारा कौन सा कैलिपर, ये हमारा जैनी कैलिपर, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72, सतह गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, मतलब ये इसका नाम पूछा है, इसका क्या नाम है। तो ये हमारा स्नग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्नग हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, संयोजन सहित में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रोतक्ता हेड, इसका नाम पूछा है, तो ये हमारा प्रोतक्ता हेड हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के देतम का पालन किया जा रहा है, बताइए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एज देतम, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस समानता ब्लॉक का नाम क्या है, समानता ब्लॉक दे रखा है, इसका क्या नाम है, देखो यानी जो ये समानता ब्लॉक दे रखा है, इसका नाम पूछा है क्या है। तो ये आपका क्या है, ये आपका है ऑप्शन डी, यानी समानता ब्लॉक, समायोज्य समानता ब्लॉक, क्या है, समायोज्य समानता ब्लॉक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गेद ए वी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो हम किसका उपयोग करेंगे, चलिए बताइए, तो हम कहेंगे उच्च गुणवत्ता वाला स्टील, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुंजी मार्ग पर कोनों पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो हम किस छेनी का उपयोग करेंगे, हम कहेंगे क्रॉसकट छेनी का, किसका, क्रॉसकट छेनी का उपयोग कहेंगे। ठीक है, नहीं क्रॉसकट नहीं, डायमंड छेनी का उपयोग करेंगे, इसका डायमंड पॉइंट छेनी का उपयोग करेंगे। ठीक है, कुंजी मार्ग के कोनों को फिनिश करने के लिए, किस फाइल की में एक दिशा में दांते कटे हुए होते हैं, वो होती है फिर सिंगल कट फाइल, क्या होती है, सिंगल कट फाइल होती है, जिसमें एक तरफ ही दांते कटे हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो यास्प कट फाइल का उपयोग करते हैं, किसका, यास्प कट फाइल का। क्यों फाइलों के कटिंग फेसेस लंबाई में थोड़ा बेवल किया जाता है। तो ये वर्क्स पीस पर उचित पकड़ के लिए, फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए, फाइल फेस और वर्क पीस के बीच क्लियरेंस करने के लिए, बताइए जल्दी से। तो हमारा इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, यानी फाइल फेस और वर्क पीस के बीच के क्लियरेंस को प्रदान करने के लिए। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन है, क्वेश्चन नंबर 80 में इसमें सही आंसर क्या होगा, फ्लैश सतो की फाइलिंग आसान करने के लिए सही आंसर होगा, ना कि ऑप्शन सी। ठीक है, ब्लेड की किस पिच का उपयोग कास्ट से पीतल और कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है। तो हम किसका उपयोग करेंगे, हम कहेंगे ऑप्शन डी, क्या आएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि छेनी का क्लियरेंस कोण अधिक हो, बहुत अधिक है, तो क्या होगा, बताइए। तो ये हमारा क्या, छेनी पिस स्लिप हो जाएगी, सतह पर गद्दा हो जाएगा, कटिंग एज टूट जाएगी, सतह से भाई धातु हटाना निकालना पड़ेगा, यानी ऑप्शन बी, यानी सतह पर गद्दे हो जाएंगे, डिगिंग ऑन द सरफेस।
किस फाइल के हथौड़े का उपयोग इरेटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो हम बॉल पिन हैमर का उपयोग करते हैं, मैंने ये पहले भी बता दिया है आपको। ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की इकाई क्या है? तो ये मिंट पर मिंट है, मीटर पर मिंट है, ठीक है। एक्स के रूप में चिन्ह विभाग का नाम बताना है, यानी इसका नाम बताना है, तो ये हमारे लिप है, क्या है? लिप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्ह विभाग का नाम क्या है? ड्रिलिंग मशीन में, तो ये हमारा दिल चक है, क्या है? दिल चक, इसका सही आंसर हो जाएगा। थेद माइन का माइनर व्यास क्या है बताइए? थेद का माइनर व्यास पूछा है क्या है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी, मतलब माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास माइनस दो गुना गया ही। एक्स क्यूब में चिन्ह विभाग का, तो ये माइक्रोमीटर है, इसको हम थिम्बल कहते हैं, क्या कहते हैं? थिम्बल कहते हैं, ठीक है। पचास से 75 mm के आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है? मैं आपको रीडिंग की जाना, इसमें पहले आप देखना है कि जो स्लीव है उसके कितने भाग मिले, तो 13 भाग हैं, कितने? 13, ठीक है। एक सेकेंड, 50 से 100 mm है, तो 50 पहले ले लेते हैं, उसके बाद एक सब डिवीजन, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे 13 है, कितना? 13 mm है, ठीक है। उसके बाद एक सब डिवीजन, कितना सब डिवीजन? 1, और उसके बाद क्या क्या है, जो थिम्बल डिवीजन है वो है आपके 13, कितने हैं? 13.13, तो आपका क्या आएगा? 63.63 आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। एक्स के रूप में चिन्ह विभाग का नाम बताना है, इसका नाम बताना है, तो ये हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। इस वाइस का क्या नाम है? इस वाइस का नाम क्या है? इसका नाम है क्यूबिक लेजिंग वाइस, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। वाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है सेफ एज, क्या है? सेफ एज, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इस ऑपरेशन का क्या नाम है? तो इसका नाम है समतलता की जांच करना, यानी ये इससे समतलता की जांच की जा रही है। कौन सी मार्किंग मीडिया को एफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है बताइए? तो ये हो जाएगी वाइट वाश को, किसको? वाइट वाश को। पुनः तेज किया गया हुआ डिवाइस बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बताइए? तो हम ऑयल स्टोन का उपयोग करते हैं, ऑयल स्टोन का, ठीक है। बेवल प्रोट्रैक्टर का उपयोग क्या है? तो ये बेवल प्रोट्रैक्टर कोण मापने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला कौन नाम है? अगला है, दिखाई गई फाइल का नाम क्या है? ये टिंकर फाइल है, क्या है? टिंकर फाइल है, ठीक है। खोखली बेलना, एक सेकेंड, खोखली बेलना का जॉब करने के लिए पाइप वाइज का उपयोग करते हैं, किसका? पाइप वाइज का, ठीक है। कंद्यूत और अन्य पतली तूप को काटने के लिए किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग किया जाता है? 0.8 mm का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विंड प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली शाह का उपयोग करना चाहिए? तो हम कहेंगे ऑप्शन सी, कतु शाह बैद का, ठीक है। तो दोस्तों हमारा शतक पूरा हो चुका है, हमने 100 क्वेश्चन सोल्व करवा दिए हैं, ठीक है। अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 पे चलते हैं, फाइल वाली सरफेस पर खरोच चिप्स के उत्पादन को क्या कहते हैं? तो हम इसको कहेंगे पिनिंग, क्या कहेंगे? कि फाइल के ऊपर जो खरोच आते हैं उनको हम पिनिंग कहते हैं, क्या कहते हैं? पिनिंग कहते हैं, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, इस छेनी का क्या नाम है, यानी इसका नाम पूछा है, इस छेनी का क्या नाम है, ठीक है। तो इसका आप पता ही होगा, इसका नाम क्या है? वेव छेनी है, वेव छेनी। इसका उपयोग क्या है? चैन डिलिंग को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है, जब चैन डिलिंग करते हैं तो जो मेटल होता है उसको हटाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? वेव छेनी का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, क्यों हथौड़े के चेहरे पर थोड़ी उतलता दी जाती है बताइए? जो हथौड़ा है उसके चेहरे पर उतलता क्यों दी जाती है? पहला ऑप्शन है आपका प्रभावी चोट बनाने के लिए,
किनारे की खुदाई बच के बचने के लिए, चोट मरने मारते समय एक समान लोड की अनुमति देने के लिए, या काम की सतह को नुकसान से रोकने के लिए, बताइए। हमारा इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, क्या सही हो जाएगा? हमारा इसका हो जाएगा कि चोट मारते समय एक समय समान लोड देने के लिए, ठीक है। नहीं, ये नहीं होगा, ये इसका ये होगा जो कि इसके किनारे है उसकी खुदाई से बचने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, मैं इसका कल वो अपना फोटो है वो चला गया है, उसको मैं वापस लेके आता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 104 है। इस हथौड़े का क्या नाम है, यानी इसका नाम पूछा है। तो देखो, इसकी पहचान करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, जो ये हैंडल है ना, इसको देखना है और इसके ये देखना है। अगर ये ऐसे, मान लो ऐसे ये क्रॉस में हो तो क्रॉस पिन हैमर, या ऐसे ये आपका जैसे कि स्टेट में ऐसे हो तो ये स्टेट पिन हैमर, ठीक है। तो ये आपको दिखा है क्रॉस में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्रॉस पिन हैमर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब के सतह के बीच का कोण का नाम क्या है, बताइए। क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लियरेंस एंगल। कौन सा है, क्लियरेंस एंगल होता है, ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ क्या पूछा है इसमें। चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब की सतह, तो जॉब ये है तो छेनी, मान लो ऐसे ही तो होगी छेनी, तो छेनी का अक्ष देखो पूरी छेनी ऐसे होती है अपनी, ठीक है। छेनी का अक्ष यही तो होगा नीचे वाला, तो ये कौन पूछा है, ये कौन क्या होगा, ये आपका कौन क्या होगा, ये होगा आपका क्या होगा, क्लियरेंस एंगल होगा। क्या होगा, क्लियरेंस एंगल होगा। जो रैंक एंगल है वो होता है जैसे इसे खींच दो तो ये आपका रैंक एंगल बन गया। क्या बन गया, रैंक एंगल बन गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई स्थायी विकृति की अनुमति नहीं देती है, बताइए। तो ये है हमारी टेनेसिटी होती है, क्या होती है, टेनेसिटी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, इसका नाम बताना, यानी ये देखो मैं थोड़ी ड्रॉइंग नीचे करे, हाँ अब देखो ये अपना है डेप्थ माइक्रोमीटर, ठीक है। क्या है, डेप्थ माइक्रोमीटर है, और इसमें एक्स के नाम, एक्स है इसका नाम पूछा है। तो ये अपना कैप है, क्या लोक है या स्टोक है या थिम्बल है, तो ये आपका क्या है, ये आपका लोक है। क्या है, लोक है, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, क्यों हैंड टैप लीड पर चैम्फर किए जाते हैं, बताइए। हैंड टैप लीड पर चैम्फर क्यों किए जाते हैं, एलिंगिंग के लिए, फिनिशिंग के लिए, स्टैंगिंग के लिए, गिफिंग के लिए, गिपिंग के लिए, बताइए जल्दी से आंसर दीजिए। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एलिंगिंग के लिए उपयोग चैम्फर दिया हुआ होता है, ठीक है। इस ड्रिलिंग मशीन का नाम बताइए, जो ड्रिलिंग मशीन दे रखी है आपको, इसका नाम बताना है। देखो पहले ड्रॉइंग देख लो आराम से, ड्रॉइंग देख लो, उसके बाद आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। ऑप्शन आपकी ये हैं, पिलर ड्रिलिंग मशीन, गैंग ड्रिलिंग मशीन, बेंच डिलिंग मशीन, ए दिल डिलिंग मशीन, जल्दी से बताइए। तो आपको पता ही होगा, ये आपने वर्कशॉप में जरूर देखी होगी, ये जो अपनी डिलिंग मशीन है इसका नाम क्या है, इसका नाम है पिलर डिलिंग मशीन। क्या है, पिलर डिलिंग मशीन नाम है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, इस बाह्य माइक्रोमीटर यानी आउटसाइड माइक्रोमीटर की बीतीस की रीडिंग बतानी है। देखो आपको पता ही होगा, मैं इसको लेना सिखा देता हूँ आपको, जो आपका जो माइक्रोमीटर है उसमें एक इंच में, यानी एक इंच के कितने भाग होते हैं, 10 भाग होते हैं, ठीक है। 10 भाग है ना, तो हम इन 10 भागों को मेन डिवीज़न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेन डिवीज़न बोलते हैं इन 10 भागों को, क्या बोलते हैं, मेन डिवीज़न। तो एक भाग का मान क्या क्या हो जाएगा, 1/10, क्या हो जाएगा, 1/10, ठीक है। तो
तो मेन डिवीजन के एक भाग का मान क्या होगा, 0.1। ठीक है, आगे चले, आगे देखो। उसके बाद ये जो अपना नीचे वाला है, जो अपने ये 10 भाग हैं, इनके भी चार चार भाग किए हुए होते हैं, है ना। तो इन चार भागों को क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सब डिवीजन। क्या बोलते हैं? सब डिवीजन। एक सब डिवीजन का मान कितना होता है, 0.025 इंच एक सब डिवीजन का मान होता है। अब देखो, पहले आपको क्या देखना है, मेन डिवीजन कितने हैं। मेन डिवीजन 3 दे रखे हैं, कितने, 3 मेन डिवीजन दे रखे हैं। आप देख भी सकते हो इसमें, देखो 1 2 3, 3 मेन डिवीजन है। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखोगे, 0.3 00। ठीक है, ये आपके मेन डिवीजन हो गई। उसके बाद सब डिवीजन कितना है, 1 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0.025। ठीक है, और अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है जो हमारे, एक सेकेंड, 0.25 होता है। ठीक है, ये होता है, ये याद रखना, इंच। उसके बाद आपको देखना है थिम्बल डिवीजन। तो थिम्बल डिवीजन पे कितनी लाइन मिली है, थिम्बल डिवीजन की 9वीं लाइन। तो एक लाइन का मान 0.001 होता है, तो ये हो जाएगा 0.1। ठीक है, अब आप इसको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, अब आप इसको जोड़ देंगे, एक सेकेंड, जो इसका मान होता है सब डिवीजन का मान, तो यही होता है। ठीक है, तो मेन डिवीजन का मान कितना हो जाएगा, 1, तो ये 6, ये 2, ये 3.0। बताइए क्या होगा इसका मान, क्या आंसर आ जाएगा, बताइए। मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है, इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 6 0। ठीक है, अगला है वन्य बेल प्रयोतकता का लिस्ट काउंट क्या है, वन्य बेल प्रयोतकता का शक्ति सटीकता क्या है। तो ये हमारी क्या है सटीकता, तो ये हमारी ऑप्शन सी, मतलब 1 5 मिनट होती है, क्या होती है, 5 मिनट होती है। ठीक है, अगला है इस कैलिपर का, वर्नियर कैलिपर का रीडिंग क्या है, यानी ये वर्नियर कैलिपर दे रखा है, इसकी रीडिंग पूछा है फिर से। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था इसका आंसर क्या आएगा। देखो पहले आपको क्या देखना है, पहले आपको देखना है कौन सी लाइन से वर्नियर स्केल दूर है। तो ये 40 है 35, तो 35 तो सीधा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 35। ठीक है, 0 0। उसके बाद ये है 25 पे, तो 0.02 mm से इसको गुना कर देंगे, 25 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो आपका आएगा 0. क्या आएगा, 50, 0.50 आएगा। इनको जोड़ेंगे तो 35.50 आ गया ना, तो क्या आ गया, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्यों सतह प्लेटों तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयन से बनी होती है, बताइए जल्दी से, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, यानी टूटने से, यानी विकृति को रोकने के लिए बनी हुई होती कास्ट आयन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समायोज्य समांतर ब्लॉक यानी एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है, यानी इसे विभिन्न ऊंचाइयों पर सेट कर सकते हैं, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्काई बस ऐथ के लिए किया जाता है, बताइए जल्दी से, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा, 115 का हो जाएगा फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, क्या हो जाएगा, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। अगला क्वेश्चन है 1 मीटर में कितने mm होते हैं, तो मैंने आपको बताया होगा कि कोई ना कोई, हमने इतनी क्लास करवाई यही मैं बताया होगा कि 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, कितने होते हैं, 1000 mm होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इस वी ब्लॉक का नाम क्या है, इसका नाम बताएं, इसका नाम है सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक, सिंगल लेवल सिंगल वी ग्रूव वी ब्लॉक, सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संयोजन सेट में एक्स क्यूब में 3 भाग का नाम क्या है, ये आपका स्काई बाय, क्या है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, स्काई बाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है, तो हम जेनी कैलिपर का उपयोग करते हैं, मैंने आप पहले भी क्वेश्चन आ चुका, पहले भी बता चुका हूँ इसका आंसर। छेनी में 1 का मान बताना, यानी ए है इसका क्या है, ये क्लियरेंस एंगल है, मैंने पहले ही बताया होगा ये छेनी का क्या है, क्लियरेंस एंगल है। ठीक है,
निकासी कोण या क्लियरेंस एंगल कहते हैं इसको, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका 121वां, घुमावदार गुरु को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? बताइए, घुमावदार गुरु को काटने के लिए हम करते हैं हाफ पाउंड नोज छेनी का उपयोग, हाफ पाउंड नोज छेनी का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्किंग उद्देश्य के लिए किए जाने वाले हथौड़े का वजन 250 ग्राम होता है, मैंने बता दिया आपको क्या होता है, 250 ग्राम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123 है। अगर दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे पास कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या हमारे पर्सनल नंबर पर उस कन्फ्यूजन को या प्रॉब्लम को भेज सकते हैं। तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। मम्मी तू अगला क्वेश्चन है, वीकेंड फाइलिंग की के अनुचित तरीके का क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए, 123 का आंसर क्या होगा? तो इसका होगा सतह की उत्तलता, क्या हो जाएगा? सतह की उत्तलता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेल्डेड जॉइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? बताइए, 124 का आंसर क्या हो जाएगा? 124 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, मतलब क्रॉस कट छेनी का उपयोग करते हैं हम, क्रॉस कट छेनी का उपयोग करते हैं। इस फाइल का क्या नाम है? तो इस फाइल का क्या नाम है? तो इसका नाम है रोती फाइल, क्या नाम है? रोती फाइल नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फाइल के फेस पर चोक क्यों लगाया जाता है? बताइए, अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए, अगला ऑप्शन है चिप को हटाने के लिए, पेनिस्टेन और पिनिंग को कम करने के लिए, तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 127 है, फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है? मुलायम धातु को काटने के लिए, हाई स्पीड स्टील को काटने के लिए, हाई कार्बन स्टील को काटने के लिए, कंद्यूत और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कंद्यूत और अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए हम करते हैं फाइन पिच एक्स्ट्रा ब्लेड का उपयोग। एम 10x1.25 के लिए टैप डेल साइज क्या होगा? बताइए, तो इसके लिए टैप डेल साइज क्या हो जाएगा? 8.8 mm, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, एक दिल में फ्लूट के बीच के भाग को क्या कहते हैं? जो दिलिंग मशीन है उसमें फ्लूट के बीच के भाग को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे पॉइंट एंगल, क्या कहेंगे? पॉइंट कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इस वर्नियर बेवल प्रवर्तकता की रीडिंग क्या है? एक सेकंड, ये देखकर वर्नियर बेवल प्रवर्तकता है, तो इसकी रीडिंग पूछा है आपसे, तो इसकी रीडिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 157:30 हो जाएगी, मैंने ये आपको समझा दिया था, ठीक है। तो आपको अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बाह्य माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के लिए एक बीच समान दबाव सुनिश्चित करता है? बताइए, हमारा कहता है एचत स्तोप, क्या हो जाएगा? एचत स्तोप सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटरनल पार्ट होता है? बताइए, 132 का क्या आंसर हो जाएगा? बताइए, जल्दी से बताइए। तो ये हमारा जा होता है, क्या होता है? जा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है? तो माइक्रोमीटर का सिद्धांत होता है स्क्रू और नट के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जाता है? तो इसको मापते हम एक्सटेंशन रोड के द्वारा हम नापते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंच माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या होगी? इंच माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या होगी? तो इसकी क्या हो जाएगी? 0.715, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मापने के दौरान बेवल प्रवर्तकता का कौन सा हिस्सा इंक्लाइन सतह को कॉन्टेक्ट में आता है? तो ये होता है हमारा कौन सा होता है? बताइए, जल्दी से बताइए। ये हमारा ऑप्शन ब्लेड होगा, क्या? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करता है? तो जो हमारा ड्रिलिंग मशीन है उसमें स्टेप पुली होती है, वो विभिन्न गति प्राप्त करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेडेस्टल ग्राइंडर में एक्स क्यूब में चिन्हित भाग का नाम क्या है? एक्स क्यूब में चिन्हित भाग का नाम क्या है, ये बताइए। जो ये भाग है इसका नाम पूछा है, टूलेस, आई शील्ड, वेल गार्ड या ग्राइंडिंग व्हील, इसका आंसर दीजिए जल्दी से।
तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बैलगाड़ी। क्या है बैलगाड़ी, सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें ये बैलगाड़ी ना होके क्या होगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, यानी टू लेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस फाइल का क्या नाम है, तो इस फाइल का नाम पूछा है, ये हमारी यास्पकत फाइल है, कौन सी यास्पकत फाइल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर वाइस हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा, तो स्पिंडल की क्षति हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्पिंडल टूट भी सकता है। कौन सा कैलिपर आयामों को फाइन एडजस्टेबल प्रदान करता है, बताइए। तो ये हमारा कौन सा कहेगा, हमारा ऑप्शन बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर आयामों को फाइन एडजस्टिंग कहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बदे क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सा का उपयोग किया जाता है, बताइए। बदे एरिया को कटिंग सेक्शन को काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये हमारा उपयोग किया जाता है सर्कुलर सा का, संकुलर सा का। ठीक है, अगला है, मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये अपनी जो थर्मल विस्तार को रोक सकती है। क्या है इसमें, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि असलियत में तो ये अपना क्या होगा, थर्मल विस्तार को रोकती है, लेकिन इसका जो नीमी पीडीएफ में है, नीमी पीडीएफ में आपको इसका आंसर सम लुब्रिकेंट दे रखा है। ठीक है, तो आपको जो पेपर या एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इसका आंसर यही दे के आना है, सम लुब्रिकेंट। अगला क्वेश्चन है, इस गेज का क्या नाम है, इसको कहते हैं बेवल गेज, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए किया जाता है, बताइए जल्दी से बताइए। तो हम कहेंगे रोटरी फाइल का उपयोग, किसका, रोटरी फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड को बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु को चिप हटाने की विधि क्या कहलाती है, बताइए। तो ये कहलाएगी कॉपर स्ट्रिप विधि द्वारा हम इसको हटाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, छोटे छोटे काले जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है, उनको पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग करते हैं, हम पिन वाइस का उपयोग करते हैं। ठीक है, पिन वाइस का उपयोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है, तो ये हमारी कौन सी है, तो ये हमारी लचीली ब्लेड होती है, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। किस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है, तो हमारी क्रॉस कट छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हथौड़े में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए, तो ये हमारी पिन है, मैंने बता भी दिया था आपको ये क्या है, पिन है। ठीक है, तो दोस्तों आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या होता है, छेनी की फिसलन को रोके, कोनों की खुदाई को रोके, छेनी को सीधे रेखा पर स्वतंत्र रूप से मूवमेंट करें, या कटिंग एज को पर काले में घुसने दे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कोनों की खुदाई को रोक के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धातु को काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस में रगड़ने को कैसे रोक जाता है, बताइए जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लियंस कौन को बधा कर। अगला क्वेश्चन है, धातु की उस प्रवृत्ति का नाम बताइए जो शोक या इम्पैक्ट को सहन कर सकती है, वो हमारी टेनसिटी होती है क्या, या आपका ऑप्शन अगला है हार्डनेस या भंगुरता या टफनेस, बताइए। तो ये हमारे टफनेस होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा पार्ट मेजिंग फेस जो बाह्य माध्यमिता के फ्रेम में फिट होता है, कौन सा कहलाता है, बताइए। क्वेश्चन 154 का आंसर हो जाएगा एनविल, क्या हो जाएगा, एनविल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस माध्यमिता का नाम क्या है, इसका नाम पूछा है, बताइए क्या है। तो ये हमारे डेप्थ माध्यमिता है, क्या है, डेप्थ माध्यमिता, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
मशीन स्पिंडल पर दिल चक्कू कैसे पकड़ा जाता है? तो आय बद्वाय मशीन को पकड़ा जाता है दिल चक्कू, ठीक है। कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास वदू किया जाता है? बताइए जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ये हमारी कौन सी होती है, जल्दी बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 157 का आंसर क्या होगा? ये एडल ड्रिलिंग मशीन होती है। कौन सी होती है? एडल ड्रिलिंग मशीन होती है, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस स्क्रू थ्रेड में कैश तरूद को राउंड किया जाता है? बताइए। तो हमारे ऑप्शन सी यानी BSW धागा, यानी थ्रेड में, धागा का मतलब थ्रेड होता है यहाँ पे। इस टैप इंच का क्या नाम है? इसका नाम है, क्या नाम है बताइए जल्दी से बताइए, इसका क्या नाम है? इसका नाम है यानी सोलिड टाइप टैप इंच, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टैप ड्रिल साइज की गणना करने का फॉर्मूला क्या होता है? बताइए। तो ये होता है यानी टैप ड्रिल साइज बाय मेजर दाया माइनस दो गुना डेप्थ, मतलब टैप ड्रिल साइज मेजर दिया वो दो गुना गहराई, ठीक है, माइनस। कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बिट के अत्यधिक, ड्रिल बिट के एक सेकेंड, ड्रिल बिट के अत्यधिक घिसना को आवाज करने का कारण बनती है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, मतलब बहुत धीमी गति से फीड दर, क्या हो जाएगा? बहुत धीमी गति से फीड दर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है आज का, एक सेकंड, आपका अगला क्वेश्चन पे बनने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बेल आइकन को दबा लेना। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, तो इसका तो मैंने बता दिया क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो ऑप्शन बी है, यानी बहुत धीमी गति से फीड दर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंच ग्रेजुएशन के साथ वाले वर्नियर कैलिपर का नाम बता, यानी रीडिंग बतानी, इसकी रीडिंग बतानी क्या होगी? बताइए जल्दी से बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो हमारे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी 1.459 सही आंसर हो जाएगा इंच, ठीक है। अगला है, कॉम्बिनेशन शहद के किस भाग का उपयोग 90/45 को चिन्हित चिन्हित और जांचने के लिए किया जाता है? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हेड, क्या हो जाएगा? स्क्वायर हेड सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंगल प्लेट में ईब क्यू प्रदान किए होते हैं, जो एंगल प्लेट है उसमें ईब क्यू प्रदान किए होते हैं ये बताना है। तो इसमें यानी जो विकृति को रोकने के लिए हम ईब प्रदान किए हुए होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इस वी ब्लॉक का नाम बताना है, तो ये वी ब्लॉक का क्या नाम है बताइए जल्दी से बताइए, इस वी ब्लॉक का नाम बताना है, ठीक है। तो इसका माया ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, देखो एक सेकंड, यानी डबल लेवल सिंगल वी ग्रू, डबल लेवल सिंगल वी ग्रू सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टील की कितनी कार्बन, यानी स्टील है उसकी कितनी कार्बन कंटेंट फोज हो सकता है, यानी स्टील में कितनी कार्बन को फोज किया जा सकता है ये बताना है, बताइए जल्दी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.7% तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन आ गया है, कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस मेटेरियल, किस कटिंग फ्लूड का उपयोग किया जाता है? तो इसमें डाई एयर जेट का उपयोग किया जाता है, यानी इनमें किसी भी उसका नहीं, लुब्रिकेंट का उपयोग नहीं किया जाता है। तो एडल ड्रिलिंग में मशीन में एक्स क्यूब में चिन्हित भाग का नाम, इसका नाम बताना है। तो इसका क्या नाम है? ये हमारा है स्पिंडल हेड है, क्या है? स्पिंडल हेड है, ठीक है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, HSS ड्रिल जिसका व्यास 24 mm और काटने की गति 30 मीटर पर मिनट है के लिए माइल्ड स्टील डील करने के लिए धुरी गति क्या होगी? तो इसमें RPM ज्ञात करना है आपको, क्या करना है? RPM ज्ञात, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मतलब 400 RPM इसका सही आंसर आएगा आप सोल्व करोगे तो तब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, छेद में इविट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बताइए। यानी छेद में इविट
छेद में इवित डालने के बाद इवितों को निकट लाने के लिए किसका उपयोग करते हैं ये बताना है। दिल दिफ्त का या डोली का, इवित सेट का, कोकिंग टूल का। तो हम किसका उपयोग करेंगे, इवित सेट का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 पे हैं अपन। किस पे? क्वेश्चन नंबर 171 पे बैंत स्निप का उपयोग क्या है? बैंत स्निप का उपयोग बताने, बताइए बैंत स्निप का उपयोग क्या होता है। तो आपको पता होगा बैंत स्निप का उपयोग होता है सर्कुलर कट के लिए। किसके लिए? सर्कुलर कट के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लीवर सीयर के इस भाग का क्या नाम है? बताइए लीवर सीयर के इस भाग का क्या नाम। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा निचला ब्लेड है। क्या है? निचला ब्लेड होता है। ठीक है, ये हमारा निचला ब्लेड होगा, ये निचला ब्लेड, ये ऊपरी ब्लेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस शीट पर मेटल का नाम बताइए। तो इसका नाम बताना है, ये कौन सा मेटल है ये बताना है आपको, बताइए जल्दी से बताइए। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गुर्विंग है। क्या है? गुर्विंग किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिंक कोटेड आयरन का नाम क्या है? तो ये है जस्ता चढ़ा हुआ लोहा, मतलब गलनाइज आयरन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2000 mm की लंबाई, 500 mm की चौड़ाई, 4 mm की मोटाई और 7.85 ग्राम सेंटीमीटर की घनत्व वाले स्टील प्लेट के वजन की गणना कीजिए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 31.4 kg हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, जंग और घर्षण के लिए कौन सी शीत धातु अत्यधिक प्रतिरोधी होती है? बताइए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपना, क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम की। किसकी? एल्यूमिनियम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला है, नियमित षट्भुज के फ्लैट से फ्लैट तक का साइज कितना होता है ये बताने, बताइए कितना होगा, ये होगा आपका जल्दी से बताइए। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब 2A हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले एक सेकंड दोस्तों, तो एक मिनट में कैमरा लगा लेता हूँ।